वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खूब कमर कस रखी थी। इन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। इसी के चलते ओवैसी लगातार यूपी के दौरे भी कर रहे थे। ओवैसी यूपी जाकर मुस्लिमों के मसीहा बन रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने ओवैसी के साथ ऐसा खेल कर दिया कि अब इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस से इताहुलदीन मुसलमीन के अधिकतर उम्मीदवार 5000 मतों के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाए और राज्य के मतदाताओं ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों पर एआईएम को इस बार आधा फीसदी से भी कम मत मिलता हुआ नजर आया है। वहीं विधानसभा चुनाव में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को भी राज्य की जनता ने नकार दिया। खासतौर से मुस्लिम वोटर्स ने एआईएम के प्रति अपना रुख नरम नहीं किया। राज्य में बीजेपी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी राज्य में मुख्य विपक्षी दल बना रहेगा, लेकिन राज्य में बड़े दमखम के साथ उतरी एआईएम को चुनाव में बड़ी हार मिली है। जबकि राज्य में 100 ज्यादा सीटें मुस्लिम बहुल है और यहां पर हार जीत मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं। असल में 2020 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एआईएम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा था, क्योंकि बिहार में एआईएम के 4 विधायक जीत कर सदन में पहुंचे थे और इसी गुरूर में एआईएम ने बंगाल में भी किया और वहां के मुस्लिमों ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया। जबकि यूपी में भी उसका कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कि यहां से भी इन्होंने मुसलमानों ने इनको जबरदस्त नकारा है। उधर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि एआईएम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन चुनाव में एआईएम तो कई सीट ही नहीं जीत सकी और ना ही वह समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकी। फिलहाल राज्य में एआईएम की हालत काफी खराब हो गई है और उसे अभी तक महज 0.46% वोट मिले हैं, मतलब 1% से भी कम। ओवैसी दावा कर रहे थे कि वह राज्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओवैसी को सबसे बड़ा निराश मुस्लिम सीटों पर ही लगा है, जहां मुसलमानों ने अपना वोट एआईएम की जगह समाजवादी पार्टी को दे दिया। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।